बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद मरियम। आज मैं अपने किचन में एक जैम बनाऊंगी जो कि वो ऑरेंज मार्मलेड जैम होगा। बहुत ही मजे का होगा, आप इसको अपने घर में बनाएं और इसको आराम से आप स्टोर कर सकते हैं। 6 to 7 months इजीली आप इसको अपने फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अपने जार को स्टेरिलाइज करिएगा। अभी मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि कैसे उसको स्टेरिलाइज करना है। और इस तरह से अगर आप रखेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा, कोई फंगस कोई कुछ नहीं आएगा उसके ऊपर। आप इसको बनाइएगा जरूर। अब ये रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए जो जो चीजें चाहिए हैं वो ये हैं। ऑरेंज मैंने यहाँ पे 6 ले लिए हैं, थोड़े बड़े साइज के हैं ये। और यहाँ पे मैंने ले लिया है चीनी, शुगर ये है 4 कप, लेमन जूस ये मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून। और मैंने यहाँ पे एक जार जिसके अंदर मैं इसको स्टोर करके रखूंगी, इसको स्टेरिलाइज भी करूंगी। और यहाँ पे मैंने एक साफ सुथरा मलमल का कपड़ा, साफ सुथरा व्हाइट कलर का मलमल का कपड़ा, थोड़े बड़े साइज में आप ले लीजिएगा। अब हम ये रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, इसके ऊपर जो मैंने ये ऑरेंजेस है इसको मैं पहले हाफ कर लूंगी इस तरह से नाइफ के साथ, इस तरह से हाफ करूंगी, इस तरह से नहीं करूंगी, ऊपर से नहीं करना आपने। इस तरह से इसको पहले जो 6 ऑरेंजेस हैं इनको मैं हाफ कर लूंगी। ये देखिए मैंने 6 ऑरेंजेस को हाफ कर लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक मशीन ले ली है जिसकी मदद से हम जूस निकाल लेंगे। अब आपने जो सारे ऑरेंजेस जो कट किए हैं आपने इस तरह से जूस निकाल लेना है सबका। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने साफ कर लिया है। बस इसी तरह से मैं सारे ऑरेंजेस का जूस निकाल लूंगी। ये छिलके हैं ये जाया बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसको भी हम यूज करेंगे। अब वो मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह से यूज करना है। और ये जो इसके ऊपर जो आपको ये नजर आ रहा है गूदा, ये भी यूज होगा। ये पूरा ऑरेंज हम इसमें यूज करेंगे, जूस, इसका गूदा और साथ में इसके छिलके, ये सब यूज होंगे। किस तरह से वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तकरीबन 1/2 लीटर जो है ये यहाँ पे जूस निकल आया है। अब अगेन आपने चॉपिंग बोर्ड दोबारा से लेना है और ये जैसे ये जो छिलका है उसको अब मैं बताती हूँ कैसे यूज करना है। क्योंकि ये जो पार्ट है ये जो जरा सा एक ये होता है ये आपने इसको अलग कर देना है, ये यूज नहीं होगा। बकाया पूरा ऑरेंज हम यूज करेंगे। इसको मैं फेंक देती हूँ क्योंकि ये यूज नहीं होगा। ठीक है, इसको मैंने फेंक दिया है। अब इसको मैं यहाँ से करूंगी ऊपर से हाफ। हाफ करने के बाद आपने यहाँ पे लेनी है, इसको सीधा करना है, सीधा देख करके। और यहाँ पे आपने ये बटर नाइफ लेनी है, जो ये बटर नाइफ होती है जिससे हम बटर लगाते हैं या जैम लगाते हैं, वो लेके आपने इसके ऊपर से ये गूदा जो है इसको अलग करना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से ये गूदा जो है आपने इसमें से निकालना है। ये देखें इस तरह से आपने इसको सेपरेट कर लेना है। इस तरह से सारे छिलकों का मैं इसी तरह से जो है मैं सेपरेट कर दूंगी, ये पार्ट और ये पार्ट। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है हमने। ये देखिए मैंने जो है इसमें से छिलका और जो है ये इसके अंदर से जो गूदा निकला था वो दोनों अलग कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक प्लेट, बाउल, कुछ भी आप ले लें और इसके ऊपर जो है ये वाइट क्लॉथ जो मलमल का कपड़ा मैंने लिया है वो इसके ऊपर मैं फैला दूंगी इस तरह से। ये जो ये गूदा इसके अंदर से निकला था वो डाल दूंगी, इसको नहीं डालूंगी। और जो इसका जो ये ऊपर का जो पल्प था जो हम लोगों ने पहले निकाला था वो भी मैं इसके अंदर सारा डाल दूंगी। ये डालने के बाद आपने इसको क्लॉथ को यहाँ पे घिरा बांध देनी है। ये देखें एक नॉट मैंने बांध दी है, लूज लूज नॉट बांधने का। बस इस तरह से आपने इसको एक रेडी करके आपने इसको एक साइड पे रख देना है। ये जो बच गए हैं छिलका, अब मैं इसका क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको जूनियर कटिंग में इस तरह से स्लाइस करना है। इस तरह से आपने इसको
काटना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जितने भी मेरे पास जो छिलके हैं ऑरेंजेस के, मैं सबकी इसी तरह से कटिंग कर लूंगी। ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना फाइन मैंने इसको लंबा लंबा काट लिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब हमारा ये जो है, ये जो हमने काट लिया है, ये भी रेडी हो गया है। और हमारा जो है ये भी हम लोग ने रेडी कर लिया, और ये जूस ये भी रेडी हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक पॉट ले लिया है। पॉट के अंदर जो मेरा हाफ लीटर ऑरेंज जूस निकला था वो मैंने ऐड कर दिया है, और इसके अंदर जो है अब मैं जो 1 लीटर वाटर ये भी ऐड कर दूंगी, पानी 1 लीटर पानी ये भी मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी जो मैंने काट के रखे थे वो, ये सारा मैंने ऐड कर लिया। और अब मैं जो है इसके अंदर एक और चीज रह गई है, वो है ये क्लॉथ में जो हम लोग ने डाला था वो। अब जो है इसका बॉईल आने का वेट करूंगी। बस आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम के साइड पे जो कपड़ा है वो आग नहीं पकड़े। अब बस आपने इस तरह से इसको, या पूरा आपने डिप करना है तो पूरा कर लें, पर मैं इस चीज़ का ख्याल रखूंगी कि आग जो है वो कपड़े पे ना लगे। बस इसी तरह से आपने इसको डिप कर लेना है और बॉईल आने का वेट करना है। जब बॉईल आना शुरू हो जाएगा, ये देखिए हल्के हल्के बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको कवर करके इसी तरह से इसको मैं 20 से 25 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी। बस 20 मिनट्स तक इसी तरह से हल्के हल्के बॉईल में इसको इसी तरह से पकाती रहूंगी। जब ये 20 मिनट्स हो जाएंगे मैं फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए 20 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं इसको खोलूंगी। ये देखिए खोल दिया है, थोड़ा सा पानी कम हो गया इसके अंदर से और ये गल भी गई है। अब आपने क्या करना है कि ये एक आपने जो है ये कपड़ा जो ये है इसके नीचे मैं एक स्टेनर्स ये रख दूंगी, और इस तरह से करके फिर मैं इसको अच्छी तरह से स्क्वीज कर लूंगी। ये इसी तरह से आपने सारा अच्छी तरह से स्क्वीज कर लेना है। सारा कैल्शियम जो भी जितना भी हमारा न्यूट्रिशन इसके अंदर था वो सब हमने इसमें से निकाल लिया है। तो ये ज़बरदस्त सा स्क्वीज भी हो गया है। बस अब मैं इसको थ्रो कर दूंगी, इसको वेस्ट कर दूंगी, और अब मैं जो शुगर वो ऐड कर दूंगी, और इसके अंदर जो है ये लेमन जूस ये ऐड कर दूंगी। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स करूंगी, और इसको इतना अच्छा सा आपने कुक करना है कि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। बस अब आप इसको तेज़ फ्लेम पर इसको कुक करते रहें, और इसको मैं बहुत अच्छा सा हाई फ्लेम पे केक कुक करूंगी, और चम्मच भी चलाती रहूंगी बीच बीच में कि ये जो है वो चीनी भी अच्छी तरह से इसकी मिक्स हो जाए और ये थिक फॉर्म में गाढ़े। और एक और आपने काम करना है कि आपने जो है वो एक प्लेट लेनी है शीशे की, उसको आपने जो है फ्रीजर में रख लेना है, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अब 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं इसको इसी तरह से पकते हुए को, ये पक रहा है 5 से 10 मिनट और कम हो गया है ये। और अभी ये देखें, अब हम चेक करने का क्या तरीका है, मैंने आपको कहा था एक प्लेट जो है वो शीशे की आप फ्रीजर में रखिएगा, ये मैंने फ्रीजर में रखी थी। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है कि आपका जैम रेडी हुआ है या नहीं हुआ, आपने क्या करना है एक ड्रॉप जो है इसका इस पर डाल देना। ये देखें आपने इस तरह से एक ड्रॉप डाल दिया, 2-3 सेकेंड्स के बाद आपने इसको टर्न करना है, और ये देखें ये गिर रहा है, तो इसका मतलब है ये अभी तक जैम रेडी नहीं हुआ। अब मैं इस प्लेट को दोबारा से वॉश करके फ्रीजर में रख दूंगी, और जो है इसको 5 मिनट्स और इसको मजीद पकाऊंगी, इतना पकाऊंगी कि ये अच्छा सा थिक हो जाए। ये देखें ये रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं ये थिक भी हो गई है, इसकी थिक भी हो गया है और ये रेडी भी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, ज़रा फ्लेम ऑफ कर दूंगी, एक ड्रॉप डालूंगी, थोड़ी देर इसको इसी तरह से रखूंगी। अब देखें इसको मैं डाउन करूंगी, तो ये देखें ये घेर नहीं रहा, ये देखें इसको मैं इस तरह से डाउन कर देती हूँ, ये देखें
ये घिर नहीं रहा तो इसका मतलब है जैम बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको कूल करूंगी और अपनी स्टेरिलाइज बॉटल में इसको डालूंगी। अब यहाँ पे जो है मैंने जार जो मैंने आपको पहले दिखाए थे इसको मैंने स्टेरिलाइज कर लिया है, स्टेरिलाइज कर लिया है। स्टेरिलाइज करने का क्या तरीका है कि आपने इसको गर्म पानी से वॉश करना है। वॉश करने के बाद अगर और अगर आपका जो प्लास्टिक है वो मोटा होगा तो आप उसको बॉइल होते हुए पानी के अंदर डिप कर दें और उसके बाद फौरन निकाल लें। निकाल के आपने इसको जो है एक बास्केट में डाल के रखिएगा और उसी में इसको ड्राई होने दीजिएगा अच्छी तरीके से। कोई कपड़ा, कोई टिश्यू किसी के साथ ड्राई नहीं करना, आपने इसी तरह से हवा में छोड़ देना है। जब वो ड्राई हो जाएगा तो आपका जो है स्टेरिलाइज की बॉटल रेडी हो जाएगी। इसी तरह से आप जैम को प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं 6 से 7 महीने के लिए। कोई जो है वो फंगस या कुछ भी इसके ऊपर नहीं आएगा अगर आप मेरे स्टेप्स इसी तरह से अगर आप फॉलो करेंगे। अब जो है मैं इसके अंदर जैम जो कि थोड़ा सा ठंडा हो गया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। छह से सात महीने के लिए आप इसी तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं। ऑरेंज मार्मलेड जैम रेडी हो गया है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, हर चीज आप घर में बना सकते हैं, तो इसको जरूर ट्राई करिएगा। और इसी तरह से रेसिपीज मैं अपलोड करती रहती हूँ, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिया हुआ बेल आइकॉन के बटन को भी लाजमी दबाइएगा। उससे आप मेरी वीडियोज पहले देख सकेंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करिएगा और मेरी वीडियोज आप देख सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।